बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आवर फर्स्ट यूनिट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट वन, लेसन वन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज। मीन्स साइज के हवाले से कंप्यूटर को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। On the basis of size going from smallest to largest, computers can be classified into five groups. अगर हम smallest size से largest size की तरफ move करें तो computer को size के हवाले से five groups में classify किया गया है। Mobile computers, micro computers, mini computers, mainframe computers and super computers. एज़ वी विल ऑब्जर्व के मोबाइल कंप्यूटर कम्स इन टू द स्मॉलेस्ट कैटेगरी एंड सुपर कंप्यूटर कम्स इन द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स डिज़ाइन टू बी कैरीड अराउंड बाई द यूज़र्स। मोबाइल कंप्यूटर्स स्मॉलेस्ट कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं और ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हें यूज़र ईज़िली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एग्जाम्पल्स में लैपटॉप्स, अल्ट्रा बुक्स, नोटबुक्स, टैबलेट्स, ई बुक रीडर्स, स्मार्टफोन्स, पर्सनल डेटा असिस्टेंट्स यानी PDAs एंड पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स PMPs आर ऑल द मोबाइल कंप्यूटर्स, जिनमें कि आप लैपटॉप, अल्ट्राबुक, नोटबुक, टैबलेट, ई बुक रीडर, स्मार्टफोन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जबकि पर्सनल डेटा असिस्टेंट को पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है और ये जस्ट लाइक सेल फोन फंक्शन करता है। वेयर एस PMP यानी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर भी एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि आप ऑडियो, इमेजेस या वीडियोस को स्टोर भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। हियर इज़ द टेबल दैट शोज सम पिक्चर्स ऑफ द मोबाइल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ई बुक रीडर्स, टैबलेट, PMP एंड नोटबुक। नाउ द नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर्स आर बिगर देन द मोबाइल कंप्यूटर्स। एक वक्त में एक पर्सन इसको यूज़ कर सकता है और सिंगल यूज़र बट मल्टी टास्किंग, यानी कि सिंगल यूज़र इसे यूज़ कर सकता है मगर इस पर मल्टी टास्किंग यानी मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। The desktop computers are mostly used in offices, colleges, schools and homes are microcomputers. Desktop computers are also called personal computers or PCs. यानी माइक्रो कंप्यूटर्स में को डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहा जा सकता है और पर्सनल कंप्यूटर्स या PCs भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स, टिपिकली बीइंग द सेम साइज एज अ रेफ्रिजरेटर। साइज में मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स से लार्जर होते हैं जबकि इनका साइज रेफ्रिजरेटर के साइज के इक्वल होता है। मिनी कंप्यूटर फर्स्ट अपेयर्ड इन द 1960s। In the 1980s, they got replaced by microcomputers, which have become smaller and more powerful with time. Mini computer 1960 में अपेयर हुए लेकिन 1980 में microcomputers ने अपने साइज में smaller होने और powerful होने की बुनियाद पर इनको replace कर दिया। CDC 160A, Microvex 3100 and HP 2100 are the examples of mini computers. Here you can see in the pictures the examples of the mini computers. Mainframes. Mainframes are big
powerful and expensive multi-user computers. They are mainly used for build data processing in large organizations like government offices, airline and banks. Mainframe computer, mini computers से larger in size होते हैं, powerful होते हैं और expensive भी होते हैं. इसके अलावा हमने देखा था desktop computer single user computer थे, जबकि mainframes multi user computers हैं, यानी कि एक वक्त में इस पे multi users, बहुत सारी users work कर सकते हैं. ज़्यादातर ये बड़ी organizations में use होते हैं, जहाँ पे large amount of data processing की जाती है, जैसे कि government offices, airline या banks में. IBM 4381, DEC 10 and NEC 610 are the examples of mainframes. Here you can see in the pictures how they are big in size and more powerful than mini computers. Next, supercomputers. Supercomputers are the biggest and most powerful computers. They often occupy whole rooms. यानी कि सबसे बड़े साइज में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. इतने बड़े होते हैं कि अक्सर पूरे पूरे रूम्स ऑक्यूपाई करते हैं. दे कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. इनकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं. यूज वेयर अ लॉट ऑफ न्यूमेरिक कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड सच एज वेदर फॉरकास्टिंग. जहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिक कैलकुलेशंस की जाती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, सच एज वेदर फॉरकास्टिंग में ये यूज किए जाते हैं. हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. उम्मीद है ये टॉपिक यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. नाउ रीड पेज नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ योर बुक एंड डू कंप्लीट द गिवन होमवर्क. And if you have any question regarding the topic and the homework, then you can ask on Google Classroom.